हाय गाइस, आई एम नीतू निगम एंड वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। आज मैं आपके लिए SOF इंटरनेशनल हिंदी ओलंपियाड के बारे में कुछ डिटेल्स लेकर आई हूँ, जिसमें हम देखेंगे कि एग्जाम कब होती है, कौन से बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं, हिंदी ओलंपियाड किसके द्वारा कराई जाती है, इसके एग्जाम के क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पैटर्न एंड सिलेबस क्या है, एग्जाम की तिथि क्या है, रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है और आप इसे रजिस्टर कब कर सकते हैं और कहां पर कर सकते हैं, इन सभी डिटेल्स के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परीक्षा का आयोजन साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। योग्यता के आधार पर क्वालिफिकेशन, इसमें क्लास 3rd से 10th तक के बच्चे इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। परीक्षा का स्तर मैट्रिक रहता है। आवेदन प्रक्रिया, आप इस परीक्षा में स्कूल के माध्यम से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अर्थात यह परीक्षा इंडिविजुअल स्टूडेंट के लिए फिलअप नहीं करवाई जाती है, ना ही आप ऑनलाइन या ऑफलाइन डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हैं। स्कूल के माध्यम से ही आप इस ओलंपियाड एग्जाम को दे सकते हैं। परीक्षा की तिथि 2 तिथि घोषित की गई है, 18 नवंबर 2024 और 17 दिसंबर 2024। परीक्षा का मोड ऑफलाइन रहता है, जो कि स्कूल में कराया जाता है। इसकी शुल्क ₹125 पर स्टूडेंट रहती है और करने की आवृत्ति 1 वर्ष में 1 बार ही यह एग्जाम लिया जाता है और इसका ऑब्जेक्टिव्स है हिंदी भाषा के प्रति जुनून को पहचानना और बढ़ावा देना। बोली हिंदी रहती है, हिंदी भाषा में ही इसके एग्जाम होते हैं और टाइम जो है 1 घंटे का रहता है। जैसा कि तिथि आपको 2 तिथि पहले ही बता चुके हैं, विद्यालय अपनी सुविधा अनुसार परीक्षा की तिथि का चयन कर सकते हैं। एक बार परीक्षा की तिथि का चयन हो जाने के बाद उनमें बदलाव की अनुमति नहीं होती है। बच्चे स्कूल के माध्यम से ही इस एग्जाम को दे सकते हैं। एग्जाम फॉर्म भरने की तिथि, एग्जाम तिथि से लगभग 1 महीना पहले इसके फॉर्म भराए जाते हैं, तो आप स्कूल में इसके लिए आप संपर्क में रहें। स्कूलों द्वारा ये स्टूडेंट को बता दिया जाता है कि कब एग्जाम होने वाले हैं और कब आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। अब इस एग्जाम के हम सिलेबस एंड क्वेश्चन पेपर के बारे में जानेंगे। इसका सिलेबस क्या है एंड क्वेश्चन पेपर किस प्रकार के आते हैं, चलिए क्लास 3rd के, चूंकि हिंदी ओलंपियाड क्लास 3rd से ही शुरू होता है, तो इसलिए क्लास 3rd के हम सैंपल पेपर और सिलेबस देखेंगे। ये क्वेश्चन पेपर आपका 2024 का है, एक मॉडल पेपर है, इसे भी हम देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर का पैटर्न समझ लेते हैं। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न 3 खंडों में बटा होता है, शब्द और व्याकरण बोध, जिससे 20 क्वेश्चन रहते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स रहते हैं। दूसरा रचनात्मक बोध, जिससे 10 क्वेश्चन रहते हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 मार्क्स रहते हैं। एंड थर्ड खंड जो रहता है मेधावी खंड, जिससे 5 क्वेश्चन रहते हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 नंबर्स रहते हैं। अब इसके हम सिलेबस देखेंगे। खंड 1 के सिलेबस में हमारी भाषा, वर्ण एवं वर्णमाला, शब्द और वाक्य, संज्ञा सर्वनाम एवं विशेषण, लिंग और वचन, क्रिया शब्द भंडार, शुद्ध एवं अशुद्ध शब्द, गिनती, शब्दकोश, सामान्य हिंदी ज्ञान। खंड 2 में अपठित गद्यांश और मुहावरे रहते हैं और खंड 3 में उच्चतर क्रम सोच कौशल आधारित प्रश्न खंड 1 और खंड 2 के पाठ्यक्रम के अनुसार रहते हैं। अर्थात आपका बच्चा क्लास 3rd में किसी भी बोर्ड से एग्जाम दे रहा है, वहाँ जो सिलेबस रहते हैं हिंदी पेपर के, ऑलमोस्ट वही सिलेबस रहते हैं, बस इसको क्वेश्चन पूछने का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो चलिए अब हम इसके क्वेश्चन पैटर्न देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन शब्द एंड व्याकरण बोध से है। नंबर 1, दिए गए चित्र को देखकर भाषा का रूप बताएं। क मौखिक, ख लिखित, ग सांकेतिक, घ इनमें से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो रहा है ऑप्शन ए, मौखिक, क्योंकि ये पढ़ने का काम हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 6 अक्षर - वर्णों से मिलकर बना है। क ख ग एंड घ। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, को रसंजुक और सौ से मिलकर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे।
इसको हम हटा देते हैं। ये हमारा नहीं जा रहा है, चलिए देखते हैं किस प्रकार ये जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री से फरवरी लीप वर्ष के महीने में कितने दिन होते हैं? क 28, ख 30, ग 29, घ 31। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ग 29। फरवरी लीप वर्ष के महीने 29 दिन के होते हैं। नंबर फोर, दिए गए चित्र का नाम पहचान कर इसका विलोम शब्द हमें लिखना है। ध्यान दीजिए, चित्र पहचान कर उसका विलोम शब्द हमें क्या लिखना है, विलोम शब्द हमें बताना है कि इस चित्र का विलोम शब्द क्या है। ये हमारा दिख रहा है पृथ्वी, तो पृथ्वी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, क पृथ्वी, ख बादल, ग चांद, ख आसमान। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ख आसमान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टोटल कुल 35 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। क ख ग घ, ग्रह शब्द किस प्रकार सही लिखा जाता है, तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन 1 क ग्रह। 6, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा संज्ञा शब्द नहीं है। क ताजमहल, ख बचपन, ग सर्दी, ख मीठा। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ख मीठा। मीठा शब्द जो है संज्ञा शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सेवन जो कि रचनात्मक बोध से स्टार्ट हो रहा है, इसमें हम इसे पढ़कर क्वेश्चन नंबर 7 और 8 के आंसर हमें देना है। इस कथांश को पहले पढ़ना है ध्यान से और फिर इसके आंसर देना है। जीवन का सबसे बड़ा सुख निरोगी काया है, सेहत ही सबसे बड़ी पूंजी है, स्वस्थ व्यक्ति ही संसार के सारे सुखों का आनंद ले सकता है। स्वस्थ व्यक्ति अधव्य साहस और उत्साह की खान होता है। मानव शरीर ईश्वर की देन है और उसे स्वस्थ रखना हमारा काम है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है और शरीर की संपूर्ण देखभाल उचित खान पान और नियमित व्यायाम द्वारा की जा सकती है। जीवन में खेलों का बहुत महत्व होता है, खेलों से हमारा स्वास्थ्य सही रहता है, शरीर में चुस्ती फुर्ती आती है, खून का संचार तेज होता है, खेलों से हमारी क्षमता बढ़ जाती है, खेलों से हमारा शारीरिक मानसिक और बौद्धिक विकास होता है। अब इसमें से पढ़ने के बाद हमें इसका आंसर देना है। नंबर 7, जीवन में किसका महत्व है। क धन का, ख खेलों का, ग दुखों का, ख आलस का। करेक्ट आंसर क्या हो रहा है ऑप्शन ख खेलों का। खेलों से क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी लिखा हुआ जीवन में खेलों का बहुत महत्व है, खेलों से हमारा स्वास्थ्य सही रहता है, शरीर में चुस्ती फुर्ती आती है, खून का संचार तेज होता है, खेलों से हमारी क्षमता बढ़ती है, खेलों से हमारा शारीरिक मानसिक और बौद्धिक विकास होता है, अर्थात जीवन में खेल का बहुत ज़्यादा महत्व है। करेक्ट आंसर खो। दूसरा, सबसे बड़ी पूंजी क्या है, तो पूंजी सबसे बड़ी क्या है, क रुपया पैसा, ख सोना चांदी, ग सेहत, ख खेल। करेक्ट आंसर है, यहाँ पर देखिए इसमें आपका दिया भी हुआ है, मानव जीवन ईश्वर के स्वस्थ रहना शरीर की स्वस्थ। अब यहाँ पर हम इसको पहले हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है। 1, सबसे बड़ी पूंजी क्या है, तो सबसे बड़ी पूंजी जो है हमारी सेहत है। देखिए सेहत की सबसे बड़ी पूंजी है यहाँ पर लिखा हुआ है, तो सेहत जो है सबसे बड़ी पूंजी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन गो सेहत। सेहत जो है हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों को उनके चित्रों से मिलाकर उचित विकल्प देना है। इसमें से कौन सा ये सही है, इसको हम पहले मिलान करना, फिर कौन से ऑप्शन सही आ रहे हैं वो देखना है। अंबा और जननी ये सही आ रहा है, सूरज और रवि फोर्थ में, पक्षी और खग
और वरा और वसुंधरा। इस प्रकार अ का सेकंड हो रहा है, ठीक है, ब का फोर्थ हो रहा है, और स का वन और द का थर्ड। इस प्रकार ये ऑप्शन ख जो है इसके अनुसार सही हो रहा है। अब है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित शब्दों को पढ़कर उचित विकल्प का चयन कीजिए। अ वर्णों के क्रमिक और सार्थक समूहों को वाक्य कहते हैं। ब संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, बरा चार और लालादि विशेषण शब्द हैं। ये तीनों आपके सही हैं। तो आंसर इसमें से हो जाता है ऑप्शन घ, ब स और द। ब स और द ये तीनों सही है, जबकि फर्स्ट वाला सही नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाते हैं ऑप्शन को। आई होप आपको यह क्वेश्चन के पैटर्न समझ में आ चुके हैं कि ये क्लास थर्ड के लिए आपके क्वेश्चन पैटर्न थे। एसओएफ ओलंपियाड में और भी अदर सब्जेक्ट्स के एग्जाम होते हैं, जैसे आपके हो जाते हैं मैथ, साइंस, सोशल साइंस की भी इसमें एग्जाम होती है, जीके, कंप्यूटर, इन सभी पेपर के एग्जाम्स होते हैं। तो इन सभी पेपर्स के क्वेश्चन पैटर्न मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो प्लीज़ हमारे वीडियो पर बने रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।